नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ना की फसल में शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट तनाछेदक कीट के बारे में, जिसे प्ररोह छिद्रक या स्टेम बोरर भी कहा जाता है। और साथ साथ जानेंगे इस तनाछेदक कीट को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को दे दीजिए प्यार भरा लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। गन्ने की फसल में लगने वाला तनाछेदक कीट या स्टेम बोरर, यह गन्ना में लगने वाला प्रमुख कीटों में से एक है। और इस कीट का प्रकोप खासकर गन्ने में शुरुआत में मेन जो पोड़ियां निकलती है उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तनाछेदक की मादा कीट गन्ने की पत्तियों की निचली सतह पर क्रीम कलर के अंडे देती है। यह कीट मटमैला कुछ क्रीम कलर का होता है। अंडों से निकलने के बाद इस कीट के लार्वा एक दो दिन कोमल पट्टी की ऊपरी त्वचा को खाते रहते हैं और बाद में इस कीट की सुंडियां गन्ने के तने में जमीन की सतह से ठीक नीचे वाले हिस्से में छेद बनाकर तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से यह कीट अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। कीट के लार्वा तनों में घुसकर अंदर का कोमल भाग खा जाते हैं, जिसके चलते गन्ने के पौधों के बीच की निकली पोड़ियां सूख जाती हैं और पौधों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इस कीट से प्रकोपित पोड़ियों को खींचने पर वो आसानी से निकल जाती है और उसमें से अंदर का भाग सड़ा हुआ सा देखने को मिलता है और उसमें से एक दुर्गंध सी आती है। इसके ज्यादा प्रकोप से पौधा मर भी सकता है। इस कीट का प्रकोप मानसून से पहले यानी गर्मियों की सीजन में मार्च से लेकर जून महीने तक ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक बात खास ध्यान में रखिए कि इस कीट का प्रकोप हल्की मिट्टी और सूखे की स्थिति में ज़्यादा उग्र बन जाता है। इसका अटैक अगर गन्ना के अंकुरण के समय में होता है तो पौधे सूख कर मर जाते हैं और खेत में पौधों की संख्या कम होने से खाली जगह बन जाती है, जो गन्ने की पैदावार पर बहुत बुरा असर डालता है। इस कीट को नियंत्रण में रखने के कुछ निवारक उपायों की बात करें तो ध्यान में रखिए कि शरद ऋतु में बोई गई गन्ना की फसल में इसका प्रकोप कम देखने को मिलता है, इसलिए देरी से बुआई नहीं करनी चाहिए। खेत को कभी भी सूखने ना दें, क्योंकि सूखी मिट्टी में यह कीट आसानी से तनों में घुस जाते हैं, जबकि गीली मिट्टी को यह कीट आसानी से हटा नहीं पाएंगे। इसलिए गन्ने के खेत में नमी जरूर बनाए रखें। पौधों के आसपास हल्की मिट्टी चढ़ाने से भी यह कीट तनों में प्रवेश नहीं कर पाते। और अब इस तनाछेदक कीट के रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो गन्ने की बुआई के समय खेत में कतारों में रखे गए गन्ने के बीज या टुकड़ों के ऊपर क्लोरोपाइरीफॉस कीटनाशक का घोल डाल सकते हो। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 50 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को आप इस प्रकार से स्प्रेयर पंप की नोजल निकालकर भी गन्ने की लाइन में टुकड़ों के ऊपर गिरा सकते हो। दवाई डालने के बाद टुकड़ों को मिट्टी से ढक दें। अंकुरण की अवस्था में इस कीट के कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इस घोल को पौधों की लाइन में मिट्टी के ऊपर फिर से डाल दें। पौधों में नई पोड़ियां निकलते समय या कल्ले फूटते समय एंडोसल्फान 35 EC या फिर न्यूवाक्रॉन 40 EC की 25 से 30 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर खेत में पौधों के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। इन उपायों से इस तनाछेदक कीट या स्टेम बोरर के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर भी हमें फॉलो कर लीजिए। जय किसान, जय हिंद।